या ये जवानी है दीवानी में देखा ही होगा इसको। तो भाई तो गोप्रो को लगा दिया है अपन ने हेलमेट में। ये बर्फ देखो भाई, गॉड दिन बन गया भाई। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू माय चैनल, माय नेम इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। आज है डे वन हमारा मनाली का। आज बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, बजट में सारी चीज़ें जितनी होती हैं सब की सब बजट में करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ माय प्रॉपर्टी विच इज़ कीकू हॉस्टल। डे आपने जब मनाली आए हो पहले वाला व्लॉग देखा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, रूम मेरा सामने है। सबसे पहले डेस्टिनेशन रहेगा हमारा हिदम्बा टेम्पल, जो कि सारे के सारे जो कोई भी आता है मनाली सबसे पहले वहीं पर जाता है, विच इज़ हिदम्बा टेम्पल। और ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी वहाँ पे हुई, अगर आपने देखी होगी वो फिल्म तो भाई वो मेरी फेवरेट मूवी है। देन उसके बाद पूरा आज लोकल जो मनाली है, ओल्ड मनाली, अपने जो टेंपल्स हैं वो सारी जगह कवर करेंगे। और उसके बाद कल हम लोग निकलेंगे सोलांग वैली या फिर कहीं सिसु वैली वगैरह के लिए, जो कि अटल टनल सब कवर करेंगे। यार 3-4 दिन हैं यहाँ पे, आराम से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस ब्लॉग से। सो चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, बढ़िया से ब्रेकफास्ट हुआ है। चलो तो बहुत बातें हो गई, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। चलो भाई तो लॉक करें घर अपना ये रूम। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुए हम हॉस्टल में करवाते हैं, स्टार गेजिंग वगैरह, तो अगर मैं पार्ट लेना चाहूँ तो डेफिनेटली स्टार गेजिंग ऐसी चीज़ है जो आज तक नहीं करी है, तो वो भी करेंगे। कहाँ है किशन भैया? चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ है ना, घूम फिर के आता हूँ ज़रा। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इनके और है, ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे प्ले एरिया वगैरह भी। मैं इस प्रॉपर्टी का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, जैसे हर जगह जाके करता हूँ सेम चीज़ यहाँ पे भी करूँगा। बाय द वे तो दिखाने ही भूल गया भाई, कि भैया बता रहे थे यहाँ पे जस्ट 2-3 दिन पहले अच्छी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, तो उस चक्कर में पूरा जो है बर्फ हो चुका है। देख सकते हो वहाँ भी पूरा बर्फ जमा हुआ है। बाबरा के कुत्ते भी कैसे भालू जैसे यार, कह रहे झबरे कितने बाल है अब बड़ा सा डॉगी है ये, है कि नहीं। चलो भाई तो सीन ऐसा है, नहा धो लिया है, नहा धोने के बाद हमने पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाया है, नहाने के बाद अब निकलने वाले हैं, कुछ भी खाएंगे उससे पहले निकलते हैं हिदम्बा टेम्पल, वहाँ पे दर्शन करते हैं, है ना गाइस, सही बात है कि नहीं। तो हिदम्बा टेम्पल निकलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से और भी जो होगा ओल्ड मनाली वगैरह सब कवर करेंगे। तो भाई सारी गलियों में जो मैं घूम रहा हूँ, ये सारी गलियाँ जो हैं अपनी मनाली की गलियाँ हैं, और चलते 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 अपन जा रहे हैं कहाँ, हिदम्बा टेम्पल, जो कि अरे भाई क्या बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे। तो जाते जाते पूरा अपन वॉक करेंगे आज, कोई टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं करेंगे, वॉक करते करते पूरा मनाली एक्सप्लोर करेंगे, बर्फ़ देखेंगे एक बार। चलो बर्फ़ दिखाएं तुम्हें, ये लगता है कोई प्ले जोन वगैरह कुछ है यहाँ पे घूमने, मतलब खेल कूद का भी सीन है पूरा, और पूरी बर्फ़ जमी है भाई, बेहतरीन। और ये देवदार के लंबे लंबे पेड़, अभी बर्फ़ तो स्टार्ट हुआ है, मनाली आए भाई, हिमाचल आए, बर्फ़ नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे भाई। जस्ट यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे था अपना हॉस्टल, और जस्ट यहाँ से सीधे आ चुके हैं अपन हिदम्बा टेम्पल, एकदम नियर वन विहार ढूरी। खाना पीना लोगों का, घर शॉपिंग भी करना तो आप कर सकते हो। क्या बात है, वुड पे ऐसी पेंटिंग करके भी है यहाँ पे बेच रहे हैं, वही लाइव पेंटिंग चालू है बढ़िया। अरे वुड पे आपका नाम वगैरह लिखवा के नहीं सर, पूरा मेल्ट होना चाहिए। हाँ। मेल्ट हो जाता है। हाँ सर। अच्छा सर, जितना इसको गलाओगे ना उतना महक देखना केसर का। अरे वाह यार, मुट्ठी पैक करो, दूसरा वाला हैंड करो, दूसरा वाला हैंड में तो ये पकड़ा हूं कैमरा। एक मिनट करो, कैसे करूं? ऐसा हैंड पे हैंड रखो। तो ये सामने भाई हिदम्बा टेम्पल, जो कि अपने बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में, जो कि ये जवानी है दीवानी में देखा ही होगा इसको, और इसकी हिस्ट्री 1553 में सिंह बहादुर सिंह जी ने इसको बनवाया था। और बेसिकली जो देवी जी हैं ये भीम जी की पत्नी और घटोत्कच की मम्मी है। चलते ज़रा हाथ जोड़ते हैं अंदर, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं जानवरों की बलि दी जाती थी, जो कि अब बंद हो गया है, और जो जानवर की बलि दी जाती थी वो यहाँ लगा दिया जाता था। देख सकते हो ऐसा इस पूरे लाइक पूरे मंदिर में ऐसा। और भाई ऐसा सीन है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ये सिंगल हिदम्बा देवी जी का मंदिर है, लोग आते हैं यहाँ पे मान्यता मांगते हैं, काफ़ी सिद्ध मंदिर है ऐसा बोलते हैं, तो जो भी मनोकामना मांगता है भाई उनकी पूरी हो जाती है यहाँ पर। तो भाई यहाँ से एंट्री है, चलो भाई तो अभी यहाँ पे हो गया अपना बढ़िया से सीन, दर्शन हो गए, अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, छत्ता पता है नहीं, बस चलते हैं देखते हैं कोई तो डेस्टिनेशन होगी बढ़िया सी। और ये यहाँ खरगोश हंडी का ले लो, फोटो ले लो। कितने क्या प्राइस लेते हैं आप? 30 रुपीज़
नहीं नहीं थैंक यू पकड़ो बेटा। अरे नहीं नहीं बापरे ये नहीं कुछ करता पकड़ो। तो ये हिडिम्बा मंदिर के जस्ट बाहर देख सकते हो यहाँ पे याक वगैरह और दुनिया भर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं लोगों के करने के लिए। आर्चरी वगैरह शूटिंग वूटिंग करनी है, शिकंजी वगैरह पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है यार खाने पीने के लिए शॉपिंग वॉपिंग के लिए। क्वाइट नाइस, बढ़िया लग रहा है। चलो भाई तो हिडिम्बा से निकलने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे पड़ता है विच इज़ हिमाचल कल्चरल म्यूज़ियम यहाँ पे, लेकिन वहाँ हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं आगे की तरफ मॉल रोड तरफ जाएंगे। वहाँ पे देखो यहाँ मंदिर बहुत है, आप मनाली में देखोगे तो मंदिर वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन मंदिर वगैरह देखो ऐसा है कि अब घटोत्कच टेम्पल है यहाँ पे और फिर और बहुत सारी टेम्पल है। वही जस्ट हिडिम्बा टेम्पल से बाहर निकल के थोड़ा आ गए हम ये गाड़ी चलाने के लिए ATV और ये डर्ट बाइक, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दोनों आज तक नहीं चलाई हमने, तो हमने बोला हम कुछ तो चलाएंगे। और ट्रैक ऐसा है कि यहाँ से ऐसे जाना है और काफ़ी लंबा है, वहाँ से घूम के पूरा ऐसे वापस आने का है। एक चीज़ बोलूँगा हमेशा आओ तो बार्गिन करो, ठीक है। 400 रुपये बोले थे, 200 रुपये में हो रहा है, दोनों भाई दोनों गाड़ी नाइस, तो चलाते हैं इसको ज़रा। चलो भाई तो अपन ने क्या बोलते हैं ये ATV आज तक ज़िंदगी में कभी चलाई नहीं थी, तो ATV चला ली तो ठीक था यार, और नेगोशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जाते हैं। हाँ भाई थक गए, सांस फूल रही थोड़ी। तो दिस इज़ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं किसी भी अननोन सिटी में जाके करता हूँ, वो है ये एकदम रैंडमली गली गली उस सिटी की गली गली घूमना, मेरे को बेस्ट लगती है भाई ये चीज़। अभी भी मैं यही कर रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो चलते हैं अभी, मोमोज खाने का मन हो रहा है भाई कहीं पे, देखते हैं। तो भाई अभी ये बाइक रेंट वगैरह के हम लोग देखने आए थे यहाँ पे, और ऑलमोस्ट आपको बताऊँ जो रॉयल इनफील्ड वगैरह यहाँ पे 700 से 800 पे ही मिल रही है, और जो एक्टिवा और एक्सेस और एंटॉर्क वगैरह ये सारी बाइक आपको 400 से 500 की मिल रही है। 2000 रुपीज़ डिपॉजिट है मुझे लगा, आपको बता दूँ। और ये जीप वगैरह भी मिलती है आपको अगर चाहिए है थार वगैरह रेंट पे, इनका रेट मुझे नहीं पता बट जिसका पता है मैंने बता दिया। चलो भाई कॉफ़ी मिल गई अपनी मस्त, और सामने है यहाँ की एकदम फेमस मॉल रोड जैसा स्टार्ट होती है, तो अपने को यहाँ से कॉफ़ी अपन ने ले ली है। तो भाई अभी ये अंकल के यहाँ बढ़िया हिमाली फ्लेवर्स में अपन मोमोज खा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने बताया कि अच्छा बनाते हैं, तो देखते हैं इनका पालक पनीर स्पेशल मोमोज। तो पूरा प्लेट भर के खाना ही हो गया ये। हाँ मैं ट्रैवलिंग करते रहता हूँ, देखो इंटरनेट पे हिमाचली फ्लेवर अच्छा है। थैंक यू भाई, तो बढ़िया मोमोज खिलाए अंकल ने, मजा आई, काफ़ी अच्छे मोमोज थे। अब सामने आपको दिखाता हूँ मॉल रोड है पूरी। यार यहाँ के कुत्ते देखो यार, यहाँ के कुत्तों, ये कुत्तों के फरी अलग है भाई, चमड़ी अलग है यहाँ कुत्तों की, और पता नहीं सारे कुत्ते एकदम ऐसे जरवन छपट टाइप दिखते हैं, बहुत ही क्यूट है यार लेकिन सीरियसली। तो भाई ये सामने आप देख सकते हो ये मॉल रोड है यहाँ की मनाली की, और लिटरली बताऊँगा ऐसा रिलैप्स हो गया, मतलब मेरे को ऐसा दिमाग में एकदम से जैसी मैं आया यहाँ पे मेरे को सेम टू सेम ये रोड वैसी दिख रही है जैसी सिक्किम गैंगटॉक का, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा सेम MG मार्ग वाली रोड लग रही है, सेम लाइक डिट्टो सेम भाई, एकदम 19-20 का फ़र्क है, पूरी की पूरी वैसी रोड है ये। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि MG मार्ग, ये क्या बोलते हैं MG मार्ग बोल रहा हूँ, यहाँ पे खाना वाना मत लिया करो बहुत अननेसेसरी महंगा है, यहाँ शॉपिंग मत किया करो अननेसेसरी महंगा है, ऐसा लोग सारे ब्लॉग्स में बोल रहे थे। और ये आप देख सकते हो मॉल रोड मनाली की, जो कि सबसे पॉपुलर सबसे फेमस है, हर कोई आता है यहाँ पे। ये ड्रीम कैचर है ना भाई, तो हो गया यहाँ पे मॉल रोड कभी ख़त्म भी होगी पता भी नहीं चला, मनाली की मॉल रोड नाम की है बस। अभी यहाँ से आगे जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए, तो मोमोज के साथ सोच रहा हूँ पानी पूरी वगैरह खाऊं अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ सामने बोटानिकल गार्डन है खत्म हो रही, यहाँ पे छोटे छोटे गुलाब जामुन बहुत ही हैं। तो वन विहार में कुछ नहीं ऐसा सुनने में आए, जो ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के जो भैया आए हैं इनने बोले कि कुछ भी नहीं अभी मत जाओ, तो हम नहीं जा रहे। तो चलो वापस। ओके भाई तो अपडेट ये है अभी कि मॉल रोड नीचे है और मैं आ गया हूँ ला पिनोज में, जो कि है मॉल रोड में ही। अब यहाँ से कर ली एक बाइक हायर, जो पूछ के आए थे सबसे सस्ती डील मिली है 1000 रुपीज़ में, 3 दिन के लिए एक्टिवा मिल गई है, दैट्स द बेस्ट थिंग। चलो भाई तो अपनी स्कूटी हायर कर ली है यहाँ पे, विच इज एक्सेस, 1000 डिपॉजिट है इसमें, कल इसी से सोलांग निकलेंगे, थोड़ी सी गंदी सी है ये पर ठीक है कोई बात नहीं। ये सारी बाइक्स भी अवेलेबल है देख सकते हो, बुलेट वगैरह 800 की है और ये सब लिखा है, और ये आप मोबाइल नंबर वगैरह आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, या इनको ईमेल वगैरह भी करना चाहो तो सब कर सकते हो। तो चलो भाई स्कूटी हायर कर लिया, अब चलते हैं देखते हैं कहाँ निकलना है, लेट्स गो। हेलमेट वगैरह सब ये देते हैं, लाइसेंस होना ज़रूरी है, बिना लाइसेंस के आपको स्कूटी नहीं मिलेगी या कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी।
भाई तो मैं भी थोड़ा हॉस्टल आ गया था स्कूटी लेके, और वो रीज़न इसलिए आया था मैं क्योंकि मुझे पूरा पैक होना था, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही, ग्लव्स वगैरह लेने आया हूँ। अब थोड़ा चलते हैं ना, जो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर इज़ बेसिकली मनाली जिसके बाजू में बसा हुआ है पूरा, वो रिवर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। सर भाई तो गोप्रो पे लगा दिया है अपन ने हेलमेट में, मनाली में करने लगे हैं अपन मोटर ब्लॉगिंग, क्या बात है गाइस, देख सकते हो हेलमेट में लग गया है बढ़िया गोप्रो अपना, घोषाल विलेज करके, तो वहीं जाने की कोशिश करेंगे अपन, अभी देखते हैं कहाँ है, कैसा है, क्या है। चांसेस बहुत ज़्यादा आज भी लग रहे थे कि बर्फ़ होने वाली है, बट हुई नहीं, पता नहीं। वाओ, छोटा सा ब्रिज, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। ओ मुस्टेच हॉस्टल यहाँ भी है, मैंने जयपुर वगैरह में देखा था यार, हर जगह था ये, जयपुर वगैरह में था। तो भाई आप सामने पहाड़ देख सकते हो और ये रोड देख सकते हो, क्या बढ़िया लग रही है, लाइक डे वन तो अभी मज़ा आ रही है सीरियसली, दिन जब ढलने लगा है, दिन जब ख़त्म होने लगा है, अब जाके मज़ा आ रही है भाई, क्या क्या सही है। और मेरे जस्ट राइट साइड में पूरे ये ब्यास रिवर है भाई, क्या सही लग रहा है यार, क्या सही लग रहा है। और ठंडी में बताऊँ आपको, 0 degrees है, और वो 0 degrees है, और मैं घूम रहा हूँ ऐसे एकदम, मतलब स्कूटी में, इसके भी अलग मज़े हैं भाई, इसके भी अलग मज़े हैं। चलो भाई बहुत सही लग रहा है, अभी कल सोलांग वैली निकलने वाले हम, और वहाँ ऊपर देख सकते हो सोलांग वैली का नज़ारा ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा कैसा होने वाला है। ये रास्ते में पड़ी है पूरी बर्फ, क्या बात है, ये बर्फ देखो इधर। ये जो मनाली से ना आप 1-2 kilometers ऐसी जगह पे आ जाओगे ना एकदम अनटच्ड, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब ये सारी जगह ना लोग आते नहीं है, एकदम खाली खाली सी रहती है, अच्छा लगता है भाई यहाँ पे आके, अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड मस्त एकदम। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरे को इस स्कूटी में ना पेट्रोल डलवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इसमें 3 डंडी थी। सुबह सुबह ट्राई करेंगे निकलने का सोलांग वैली भाई। तो वहाँ से थोड़ा आगे आया हूँ मैं, और ये देख सकते हो बर्फ, फर्स्ट बर्फ मैं बोलना चाहूँगा मेरे को दिख गई है ये। ओहो, क्या बात है, नाइस। और ये नीचे आप देख सकते हो, ये है ब्यास रिवर, ये आप देखो पूरा बर्फ है नीचे, पूरा बर्फ है, और ये है ब्यास रिवर जो मनाली के बाजू में स्थित है, और क्वाइट नाइस, सुंदर सी भी है। थोड़ा नीचे चलने की कोशिश करता हूँ भाई, तो थोड़ा सा यही होता है, सिटी से थोड़ा बाहर आओ और आपको ये सारी चीज़ें मिलती है भाई। ये बर्फ़ देखो भाई, एक और दिन बन गया भाई, अरे आज ऐसा मॉल रोड वगैरह में थोड़ा सा बोर हो गए थे, लेकिन यहाँ पे दिन बन गया है। वाह क्या सही लग रहा है यार, ओहो ब्यूटीफुल। चलेंगे देखते हैं और कहीं आगे कुछ रहा तो देखते हैं, लेट्स गो। तो सब घूमने फिरने के बाद मैं आ गया अपने वापस कीको हॉस्टल, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ था भाई कीको हॉस्टल में, मुझे सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। डेफिनेटली आप अगर मनाली ट्रैवल करते हो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये जगह। ओके भाई, तो यहाँ पर पूरा माहौल बन चुका है, पीछे दारू शारू लोगों की, और बॉनफायर जल चुकी है। तो अपन ही मैं बैठा हूँ एक्चुअली, बस देखता हूँ क्या करना है खाने वगैरह का, मैं सोच रहा हूँ कहीं और जाता हूँ क्योंकि सुबह तो मैं रेस्टोरेंट का खाना खा लिया था, तो अभी देखता हूँ कहीं और एक्सप्लोर करते हैं। तो ही देखता हूँ मैं कहीं ना कहीं तो अभी बाहर जाता हूँ यहाँ से, जस्ट हॉस्टल से यार, हॉस्टल देखो रात में कितना प्यारा दिख रहा है यार, कितना प्यारा दिख रहा है। तो यहाँ से बस 4 कदम की दूरी पर एक ढाबा है मैंने सुना है, तो वहाँ जाके एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा खाना है। तो भाई खाना खाने के लिए, डिनर के लिए हम आए हैं, ये भी जस्ट हॉस्टल से अपने आगे थोड़ा सा किए था, तब बस प्यारा सा सेटअप है और एक नंबर खाना ये भाई यहाँ पे बना रहे हैं, मस्त रोटियाँ बन रही है अभी, एक अपना आलू पराठा भी बन रहा है, और दाल और रोटी तो है ही, दाल एक नंबर है यार, मतलब लिटरली 10 रुपये की रोटी है, 60 रुपये की दाल, बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं भाई। तो ये जस्ट कीको हॉस्टल से थोड़ा सा आगे है अपना ये सूरज ढाबा, इनो देखने वगैरह में आपको लग रहा होगा कहाँ आगे करके, एंड भाई बेस्ट एक नंबर दाल रोटी। कितना हो गया जी? बहुत अच्छा खाना था भैया, बहुत अच्छा भाई। तो डिनर वगैरह हो गया है, सब हो गया है बेहतरीन तरीके से, अब सीन ऐसा है कि अब सिर्फ सोना है, कल निकलना है सोलांग वैली, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। और बस आज का व्लॉग इतना ही भाई, थैंक यू सो मच वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एक एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और राइट बिहाइंड मी इज़ द कीकू,
इस प्रॉपर्टी की लोकेशन, इस प्रॉपर्टी की सर्विस, एवरीथिंग इज़ लाइक बैंग ऑन। मतलब मैं इतना सर्च करके जो होटल्स बुक करता हूँ, मतलब मेरा बता नहीं सकता, एक नंबर सीन है। तो भाई बहुत सही है, बढ़िया यार। तो अभी चिल करते हैं। और यहाँ हॉस्टल का यार जो इन हाउस रेस्टोरेंट है, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी। मतलब मैंने सुबह पनीर पराठा खाया, आलू पराठा खाया, सुकून मिला भाई। और जस्ट इसके आगे अभी तक खाने में मेरे को कहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। सो बहुत सही सीन है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। कल जाएंगे सोलांग वैली। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एक एक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलती है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह पे फॉलो कर लो, आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बेस्ट रहेगा भाई, बहुत मजा आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर फैमिली एंड योर फैमिली। जय हिंद, जय भारत। So the name of the song is Wisdom, Love and Life. Wisdom, okay. Love and Life. Yeah. Love is blind. Please don't rewind as what's behind. Let us remind. Love is blind. Please don't rewind as what's behind. तो भाई ये है तुषार भैया जो मुझे हॉस्टल में मिल गए थे, और ये खुद ही गाने लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, और खुद ही सब कुछ करते हैं। लाइक ही इज़ मल्टी टैलेंटेड मैन। इनसे मिलके इतना अच्छा लगा मुझे। इट्स ऑल अबाउट हॉस्टल मैन। आप कहाँ रुकते हो, किन लोगों से मिलते हो। लास्ट टाइम गोवा में भी मेरे साथ बहुत अच्छा सीन हुआ था, नए इतने अच्छे अच्छे लोग मिले थे। तो भैया ने लाइक माहौल बना दिया था भाई रात में। इट वॉज़ रियली नाइस टू मीट हिम एंड लिसन सॉन्ग्स फ्रॉम हिम। Life is so cool, but there are some more fools. They are the wannabes. Let them the gonna-bes. की मुस्कान पे कई गाने लिख डाले। सारे बच्चे खुद मैंने मिल के मैथ्स में मैं फेल, पर जिंदगी पास एग्जाम वाले पर मैंने फाड़ दिए सारे। मैं छोड़ दिया स्कूल, छोड़ दी पढ़ाई, तो भी फेल हुआ हर जाए तेरा भाई।